मैं कानपुर यूपी, हम सब 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से हमारा पहले तो यहाँ से लेक जाना था, लेक से आके फिर उधर से हमें कहाँ था लाचुंग था हमारा, जीरो पॉइंट एंड ऑल। हमें लोकल सपोर्ट काफ़ी है, इवन इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हमें कोई भी इशू ऐसा नहीं हुआ। इवन क्रैश हमारा जो क्रंच था वो भी हो गया था, हमें यहाँ कोई इशू नहीं आया, कोई भी इशू नहीं आया, फुल फूडिंग का बाकी इंडिविजुअली हमें उसमें भी इंडियन आर्मी ने बहुत हेल्प की, हम सब इन्फॉर्म कर पाए कि हम यहाँ पे सेफ हैं, इंडियन आर्मी के साथ है, लोकल्स के साथ है, उनका बहुत सपोर्ट रहा। तो मतलब ऑल ओवर हमारा जो सोचा था वो तो हो नहीं पाया, बट एक बहुत अलग सा हमें एक्सपीरियंस मिला कि हाँ अगर हम चाहें तो बाय हार्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ह्यूमैनिटी आज भी लोगों के साथ है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा हमारा इस क्राइसिस को हैंडल करने में, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। इवन हमें तो ऐसा है कि अगर फिर से चांस मिला फिर से आएंगे, मतलब क्राइसिस नहीं रहा हमारे लिए। एक जो बहुत वर्स होता है ना इम्पैक्ट कि आप एकदम फूडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इवन लोकल कम्युनिटी साथ में आई हमारे लिए फूडिंग अरेंज करने के लिए, जिनके यहाँ गेस्ट नहीं थे होटल्स में चीज़ें, उनसे सबसे इन्होंने लिया। इवन कल तो हमारा फूड ड्रॉप भी हुआ आर्मी के थ्रू, तो इट्स वॉज टोटली आई कैन से कि जो भी था ना एकदम गिर सकते थे उससे भी बच के आ गए। देखिए कभी हम इस सिचुएशन में थे नहीं, हाँ। तो हम किसी से कंपेयर तो कर नहीं सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, लेकिन हाँ एफर्ट हमें दिख रहा है कि आर्मी एफर्ट कर रही है अच्छा और निकाल लेगी हमें जल्दी। बस भी वेदर का इशू हो रहा है, अगर वो नहीं हुआ तो आज जहाँ तक हम सब चले जाएंगे। हमने कल सुना ही है कि हाँ केदारनाथ में इशू हुआ था, तब भी वहाँ भी एक हफ्ता लग गया था रेस्क्यू में, हाँ। तो वैसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हाँ इतना होता ही है। रहने का तो ठीक चल रहा है, खाने का भी जिस हिसाब से उस हिसाब से सब कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, खिचड़ी दाल चावल कुछ ना कुछ मिल ही रहा है खाने को, भूखे नहीं बैठे हुए हम लोग, और रहने का भी होटल वाले कोऑपरेटिव है, चीज़ें ठीक है। के लोग काफ़ी इसमें कोई कंप्लेन का कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेके, अलग अलग लिस्ट फ्लोटेड है, आई थिंक चीज़ें थोड़ी हैफजर्ड है, चीज़ें हैफजर्ड है, कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन दिख नहीं रहा इन सब मामलों में, ठीक है। जैसे कई सारे एज ग्रुप्स, जैसे क्या आप सोच एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सीनियर सिटीजन्स को पहले रेस्क्यू किया जाए, वी आर सीइंग टीनेजर्स गेटिंग रेस्क्यूड, यंगस्टर्स गेटिंग रेस्क्यूड, जो कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बियॉन्ड लग रहा है, कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा इशू है, बट देन अगेन अभी तो थोड़ा स्पीड पकड़ा गया, आई थिंक इट्स गुड। 6-7 दिन हो गए, मतलब थोड़ा सा पता नहीं एक्चुअली वेदर की वजह से ही रुके हुए थे या कुछ इंटरनल अप्रूवल्स पेंडिंग थे या क्या था, नॉट श्योर, ठीक है देखो लेट्स सी। अब आज तो स्पीड अप हुआ है, अब आज वेदर कैसा है, अभी रुक गया ऑल टू टेम्परेरीली। हाँ।